हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? ठीक है। इंडियन रोड वर्सेस पाकिस्तानी रोड्स देखने वाले हैं आज हम। हंसे लो। अच्छा, इसमें दोनों क्यों हंसी हो? पहले तो मुझे ये बताओ। चले देख लेते हैं कितनी अच्छी है पाकिस्तानी रोड्स। इंडियन रोड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन जो रोड्स है वो बहुत बढ़िया है। बढ़िया होगा, मतलब भाई 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 भाई। चले देखते हैं भाई, क्योंकि हमें अपने रोड्स का पता है ना। गलत दिखाएंगे तो हम बोल पड़ेंगे। हम बोलेंगे कि भाई नहीं, ये हमारे रोड नहीं है। अगर वही हुए तो वही हुए तो फिर मानेंगे। माने फिर मानना पड़ेगा। चले ओके, स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं। और क्या आप जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जो कभी एक दूसरे की लाठी बनकर चलते थे, उनके सफर का पहला रास्ता यानी रोड कब बना था? वेल, मैं बताता हूँ। इंडिया में सबसे पहला रोड सन 1830 में बना था, पर पाकिस्तान यहाँ भी हमसे थोड़ा पीछे रहा, क्योंकि वहाँ पहला रोड इंडिया से 30 साल बाद यानी सन 1860 में बना था। अब लेट तो लेट सही, लेकिन यूएस के इंटरनेशनल न्यूज पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान के रोड हमारे रोड से अच्छे हैं। पर कैसे? वेल, इसका एक रीजन तो यह है कि पाकिस्तान अपने रास्तों का कॉन्ट्रैक्ट चाइना और मलेशिया जैसी कंट्रीज को देता है। पर इसके दूसरे सारे रीजंस जानने से पहले, क्या आपको पता है कि आज जहां पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां ट्रैफिक डेथ्स होती हैं, वहीं इंडिया दुनिया में होने वाले 11% ग्लोबल डेथ यानी 4.5 लाख क्रैशेस हर साल देखता है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान रोड और इंडियन रोड दोनों में कौन बेहतर है? रोड की इस रेस में किसका पलड़ा भारी है? देखते हैं हमारे आज के वीडियो पाकिस्तान रोड वर्सेस इंडियन रोड्स में। अब अगर हम सड़कों की बात करें तो यही वो चीज है जो इंसान से इंसान को और एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती है। तभी तो इनके डेवलपमेंट की पहली नींव 2800 ईसा पूर्व में 2800 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में रखी गई थी, ताकि इनके जरिए हर शहर एक दूसरे से जुड़ पाए और लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोड्स की बस नींव रखी गई थी, जबकि इनको बनाने का काम इनके बाद आने वाले राजा महाराजाओं ने किया था। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मौर्य एम्पायर ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होकर पाकिस्तान और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है, उसे बनाया था। इसके बाद जैसे जैसे मानव प्रजाति की पीढ़ी आगे बढ़ी, वैसे वैसे इन रोड्स का काम भी आगे बढ़ता गया, क्योंकि सूर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर और यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने भी इन्हें बेहतर बनाने के लिए इन्हें अपने अपने राज में रीबिल्ड किया था। लेकिन आज जिस तरह के रोड्स हम इंडिया में देख रहे हैं, उस मेटल रोड का कंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने बताया, 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार किया था, जिसके बाद 1860 में ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान पहुंचा था। और आज ये कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा हो गया है कि इंडिया में 142,126 किलोमीटर तक जा पहुंचा है, जिसने इंडिया को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रोड नेटवर्क में शामिल कर दिया है। क्योंकि इंडिया में एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग टाइप के रोड्स हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और बॉर्डर रोड्स शामिल हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि अगर हम शहरों को छोड़कर सिर्फ हमारे गांव देहात की बात करें, तो यहां रूरल रोड्स ही 45 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो इंडियन रोड के नेटवर्क का 72.97% कंट्रीब्यूटर है। ये रोड नेटवर्क इतना बड़ा है कि दुनिया में ये 21st पोजीशन फॉर बिगेस्ट रोड नेटवर्क के लिए आता है। वहीं अगर पाकिस्तान की सड़कों की बात की जाए तो वहां भी इनका आंकड़ा 2,64,401 किलोमीटर से ज्यादा है, पर उनके पास सिर्फ 39 ही हाईवेज हैं, जिसमें से 14 नेशनल हाईवेज, 4 मोटरवेज और 2 स्ट्रेटेजिक रोड्स, जो उनके नेशनल हाईवे ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। और पाकिस्तान के उन्हीं नेशनल हाईवेज में ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडस हाईवे, कराकोरम हाईवे और मकरन कोस्टल हाईवे शामिल है। पर ऐसा मत सोचो कि इस बात में इंडिया आगे है, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल इंडिया से काफी छोटा देश है, जिस वजह से वहाँ के रोड्स की डेवलपमेंट भी एरिया के हिसाब से हो रही है। पर ये इतनी लंबी सड़कें ऐसे ही नहीं बनती हैं, इनके लिए भी खर्चा लगता है। अगर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो किसी भी 4 लेन के हाईवे को बनाने का खर्चा 8 से 9 करोड़ पर किलोमीटर आता है, जबकि वहीं अगर 6 लेन हाईवे बनेगा तो उसका कॉस्ट 14 करोड़ पर किलोमीटर होता है, जिसमें हर किलोमीटर को बनाने के लिए लगभग 45 लेबर की जरूरत होती है।
और एक एक लेबर को एक दिन के लिए 250 से 500 दिहाड़ी मिलती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां सबसे एक्सपेंसिव मोटरवेज को बनाने के लिए पर किलोमीटर 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च होते हैं, जबकि अगर सरकार वहां नेशनल हाईवे बनाती है तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 4 से 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस तक आता है। हालांकि इन रोड्स को सिर्फ बनाना नहीं होता, इन्हें मैनेज और मेंटेन भी करना होता है, ताकि इन रोड्स के खराब होने और इन पर कोई हादसा होने पर एक डिपार्टमेंट हो जो इंसानों की प्रॉब्लम को सुलझा सके। क्योंकि इंडिया में 6 तरह के रोड्स हैं, हर रोड अलग डिपार्टमेंट के दायरे में आता है, इसलिए इनको मैनेज करने के डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे नेशनल हाईवे की मैनेजिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की होती है, स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज के लिए PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, गाँव में बनने वाली सड़कों के लिए ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है, जबकि शहरों में इनके लिए वहाँ के म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स को इन सड़कों का काम सौंप कर इन रोड्स को बनवाती हैं। किंतु दुनिया में ईमानदारी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आपको टोल नाका पे टोल देते वक्त समझ आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह काम नहीं कर पाती, इसलिए वो इन रोड्स को बनाने का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, ताकि वो इन्हें बनाकर उनका ध्यान रख सके, और बदले में ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपना कॉस्ट निकालने तक लोगों से टोल लेते रहते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ भी सरकार से धोखा करते हैं और इकट्ठा हुए टोल का पूरा हिसाब तक सरकार को नहीं देते, जिसका सबूत है इंडिया में हुए ये टोल स्कैम्स। पर वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि वहां हर तरह की सड़कों को मैनेज करने के लिए एक ही अथॉरिटी है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो वहां की ओवरऑल सड़कों का 4.6% मैनेज करती है, जिसमें मोटरवेज, हाईवेज, स्ट्रेटजिक रूट्स सभी शामिल हैं। परंतु आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि पाकिस्तान में सड़कें कम है और एक ही अथॉरिटी है तो वहां स्कैम नहीं होते होंगे, ना ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में करप्शन फैला हुआ है, और हम तो इंडिया के पिछड़े भाई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहां इंडिया की ही तरह करप्शन में कंजूसी नहीं होती। आप देखते हैं कि दोनों ही देशों की सड़कों में ज्यादा ग्रोथ किसकी है, सो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दोनों देशों की आबादी और उनकी जरूरत के हिसाब से रोड्स के परसेंटेज भी इंडिया में बढ़ रहा है। तभी तो जो 2015-16 में नेशनल हाईवेज इंडिया की टोटल सड़कों में 1.80% थे, वो फिलहाल बढ़कर 2.51% हो गए, और ठीक ऐसे ही बढ़त गाँव और उनके डिस्ट्रिक्ट में भी हुई है, जिनका परसेंटेज 2015-16 में 10.03% था और आज 10.17% हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना ने तो इन डिस्ट्रिक्ट रोड्स की ग्रोथ का आंकड़ा 70.23 से 72.97 पर कर दिया है। हालांकि ये विकास हर तरह की सड़क में नहीं हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पर स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज से मिलाया जा रहा है, ताकि लोगों की जरूरत और उनके टैक्स पे इसका असर नहीं दिखे। इसके अलावा अगर आप अपने गली मोहल्ले के गड्ढों को देख कर निराश हो रहे हैं तो मत होइए, क्योंकि इन रोड्स का क्वालिटी इंडेक्स कुछ और ही बयान करता है, यानी इंडिया की क्वालिटी इंडेक्स 141 कंट्रीज के 4.07 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स के पीछे छोड़ते हुए 4.5 है, और ये हर साल इम्प्रूव हो रही है। वहीं इस रेस में पाकिस्तान भी इंडिया से थोड़ा ही पीछे है, क्योंकि उसकी सड़कों का क्वालिटी इंडेक्स 2019 में 4 पॉइंट था, जिसमें पाकिस्तान ने रातों रात तरक्की नहीं की है। इसके पहले पाकिस्तान की सड़कों का हाल काफी साल तक बुरा था, फिर इससे सबक लेते हुए वो अब इनको सुधारने में लगा हुआ है, और क्योंकि पाकिस्तान किसी भी रेस में इंडिया से पीछे नहीं है, इसीलिए तो हर साल इनका भी व्हीकल का ट्रैफिक 3% से और पैसेंजर ट्रैफिक 4.5% से बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वहां की सड़कें सुधारने का मौका दे रहा है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि कौन से देश के रूल्स और रिस्ट्रिक्शन ज्यादा सख्त हैं। इंडिया के एक्सप्रेसवेज पर 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड लिमिट है, और हाईवेज पर यह स्पीड लिमिट हैवी और नॉर्मल व्हीकल के लिए 100 किलोमीटर है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास तो भैया एक्सप्रेसवे नहीं है, पर उनके मोटरवेज की स्पीड लिमिट हैवी व्हीकल के लिए इंडिया से ज्यादा यानी 110 किलोमीटर पर आर है, जबकि कार्स, जीप्स और एसयूवी के लिए यही स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आर है। पाकिस्तान में हाईवेज भी हैं, इसलिए वहां की स्पीड लिमिट इंडिया की तरह 100 किलोमीटर पर आर है, और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पीड लिमिट के साथ साथ हर देश में सड़कों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों में सेम है, क्योंकि दोनों ही जगह ओवर स्पीडिंग से लेकर सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट और ग्लव्स लगाने की रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन पाकिस्तान के मोटरवेज पर तो रिस्ट्रिक्शंस का पहाड़ है। फॉर एग्जांपल, मोटरवे पर बाइक नॉट अलाउड, ओवर स्पीड नॉट अलाउड, ओवरलोडिंग नॉट अलाउड। यही नहीं, वहां 400 सीसी के
नीचे के इंजन वाले कार्स को चलाना, यूज्ड टायर व्हीकल्स वाली गाड़ियों को चलाना भी अलाउड नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान में इंडिया से कम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्लियरली रिस्ट्रिक्शंस और सेफ्टी के मामले में तो पाकिस्तान ही आ गया है। लेकिन ये तो हुई फिलहाल की बात, पर क्या अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट से इंडिया अपने आप को पाकिस्तान से आगे ले जा पाएगा? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान की, जो फिलहाल काफी तेज गति से अपनी सड़कों में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, और इसी के लिए उसने अनाउंस किया है कि आने वाले कुछ सालों में वो M6 मोटरवे 6, M7, M8, M12, M13 बनाने वाला है, और इनमें से कुछ के कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू भी हो चुका है। और रहा सवाल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स का, तो इंडिया में फिलहाल 12 प्रोजेक्ट सिर्फ एक्सप्रेसवे के चल रहे हैं, जिसमें 1047 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, 766 किलोमीटर का मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और कुछ 11 हाईवेज के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडिया में 1380 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी 98,000 करोड़ के साथ मार्च 2023 तक बनाने का प्लान पास हुआ है। हालांकि इन बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बाद भी दोनों कंट्रीज के एक्सीडेंट केस कुछ और ही बयां करते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2013 में 137,000 लोग एक्सीडेंट्स में मारे गए थे। अगर हम इंडिया द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में शहीदों की गिनती करें तो वो 8,000 के करीब है, यानी युद्ध से ज्यादा हमारे देश में लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। वहीं अब अगर हम 2018 के डेटा को देखते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया में हर 1,00,000 की पॉपुलेशन पर 23.87% डेथ रेट है, और पाकिस्तान में ये आंकड़ा 17.12% था, जिसके चलते पाकिस्तान 2019 में एशिया का वो देश था जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट डेथ हुई थी। लेकिन हमारा इंडिया भी इससे ज्यादा पीछे नहीं है। इस रोड एक्सीडेंट की बढ़ती गिनती के कारण इंडिया आज ग्लोबल डेथ में पूरे 11% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहां हर साल 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं जिनमें 1.5 लाख लोगों की जान जाती है, जिसका मेजर कारण है गाड़ियों के बढ़ते नंबर और गाड़ियों के लिए प्रॉपर रोड्स का ना होना। वहीं पाकिस्तान में इंसानों की गलती, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब गाड़ियां इसका मेजर रीजन है। और एक डेटा के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में गाड़ियां 9% से बढ़ रही हैं, यानी जल्दी ही गाड़ियों की ओवर पॉपुलेशन के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो वहां भी इंडिया की तरह गाड़ियों से होने वाले एक्सीडेंट एक मेजर रीजन बन जाएंगे। अब देखा जाए तो दोनों देशों की सरकार अपने लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए अपने अपने देश के रोड्स को बेहतर बना रही है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया एक बड़ी है, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जो गाड़ियों की संख्या को भी बढ़ा देती है, और इसलिए कई बार अच्छे से अच्छी सड़क भी ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रह पाती। हाँ, कई बार इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है, जिसका खामियाजा इंडिया के लोगों को रोड एक्सीडेंट में उठाना पड़ता है। जबकि बात अगर पाकिस्तान की हो तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि वहाँ की सड़कें इंडिया से बेहतर हैं, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ रोड एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन इन एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इंसानों की लापरवाही की वजह से होते हैं, सरकार या कॉन्ट्रैक्टर की वजह से नहीं। पर क्या आपको लगता है ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान का असली सच बयां कर रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर दोनों देशों का सड़क छाप आज थोड़ा नहीं, आज वीडियो में थोड़ा प्राउड प्राउड नहीं फील हो रहा है ना? टैक्स भाई ने थोड़ा ये हालांकि इंडियन चैनल है, इंडियन चैनल है। और नहीं, मोटरवेज की अगर बात करें आप अपने लोकल, अभी हमारा एक रोड जो है वो काफी टाइम से फंसा हुआ, जिसपे हम कह रहे थे कि यार क्या है रोड का, मतलब बन क्यों नहीं रहा, तो वो लोकल रोड है। लेकिन हमारे जो हाईवेज हैं या फिर नेशनल हाईवेज या मोटरवेज जो है तो वो काफी बहुत ही शानदार है। अब एक्सप्रेस वेज भी हैं हमारे, इधर उधर बोला कि एक्सप्रेस वेज नहीं है, हमारे जो खानेवाल से लोधरा E5 एक्सप्रेस वे आप चेकआउट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो एक ऐसी के मोटरवे से बेहतर एक रोड है, बहुत ही शानदार रोड है कि आपको बहुत ही उधर ना तो ट्रैफिक मिलेगी और स्पीड भी 120 पे आप क्यों अलो है, तो उस एक्सप्रेस वे पे बाइक्स भी अलो है। तो लेकिन ये है कि लेस एक्सीडेंट, मतलब आपकी अपनी गफलत, मतलब एक्सीडेंट का जो कारण है ना वो मतलब ओवर स्पीड है आपकी, आपके टायर नाकस होना। रोड हम मतलब अब इंडिया के भी हम देखते हैं बहुत शानदार रोड है, उसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान के जो मोटरवेज हैं वो स्पेशली, अब इंडिया से कुछ गेस्ट आए हुए थे तो वो पानी रख के देख रहे थे, मतलब बस में ना ऐसे उन्होंने ग्लास पानी का रखा हुआ था सीट के ऊपर, तो वो पानी ऐसे भी नहीं कर रहा था, हिल रहा था, मतलब हमारे रोड इस तरीके के बनाए। और उसकी रीजन पीछे ये है कि रोड जो है वो जापानीज, चाइनीज, कोरियन कंपनीज जो है वो बनाती हैं आगे पाकिस्तान के, तो वो बहुत ही शानदार, मतलब उस क्योंकि उन्होंने क्वालिटी के ऊपर जाना होता है और उन्होंने अपना नाम देश, हाँ उन्होंने अपने देश का नाम नहीं खराब करना किसी भी देश ने आके जो रोड्स बनाने हैं। लेकिन जब से कारपेटेड रोड शुरू हुए हैं तो काफी बेहतरी आई है रोड्स में, बहुत बेहतर हो गए हैं।
अब हमारे देखेंगे जो विलेज है वहां तक भी कारपेटेड रोड्स जो है वो बन रहे हैं, और अब तो कंक्रीट रोड्स जो है वो भी बन रहे हैं। कोई सिटीज में मैंने देखा है कंक्रीट के रोड, मतलब इतना इतना भी इतना कंक्रीट होता है उसमें, मतलब वो राड्स वगैरह जो होते हैं जिसको हम सरिया बोलते हैं वो डाल के वो बना रहे हैं, तो बहुत मोटी तय उसकी बना रहे हैं जहाँ पर बारिशें ज्यादा होती हैं। और पंजाब वाली साइड पर मैं देख रहा था कि वहाँ पर वो रोड बन रहे हैं। तो बाकी ये है कि कंपैरिजन देखा है तो रोड पे जो एक्सीडेंट, मतलब तकरीबन हमारी जो सेफ्टी वो है रूल्स है वो तो सेम ही है, 120 ही तकरीबन लिमिट होती है। वो स्ट्रिक्ट इस वजह से है कि हमारे जो मोटरवेज है ना, हमारे जो मोटरवेज है उनके ऊपर ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते आप, स्लो मतलब स्लो जो व्हीकल्स हैं वो आप नहीं ले जा सकते, बहुत पुरानी व्हीकल है वो आप नहीं ले जा सकते, आप बाइक नहीं, आप साइकिल नहीं, कोई जानवर नहीं उसके ऊपर आ सकता, तो इस वजह से मतलब वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। कि अब साथ में हमारे जो मोटरवेज है आप देख लो कि उनके ऊपर आप बेधड़क गाड़ी कैसे क्यों चलाते हो, आपको पता है कि किसी ने ना क्रॉस करना है, ना क्रॉस करना, क्रॉसिंग नहीं आएगी, ना कोई जानवर आएगा, क्योंकि साइडों पर फेंसिस थ्रोट लगी हुई है, तोड़ लगी हुई है, फेंसिस लगी हुई है कि कोई जानवर ना क्रॉस करे। तो वो वहां पर स्पीड लिमिट 120 है और आप 130 तक आपको अलाउ है, अलाउ 130 पर आप जाते हैं, लोग 150 भी मारते हैं, 160 पर भी जाते हैं जहाँ कैमरे में, और कैमरे भी जाते हैं। अब देखो कि हर मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर के बाद आपको कैमरा नजर आ रहा होता है कि कैमरे लगे हुए हैं रोड पर। मतलब जो हमारे मोटरवेज है वो प्रॉपर उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेनेंस है और बहुत अच्छे मतलब मैनेज हुए हुए हैं, और इंडिया में भी अब बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट बन गया, इंडिया में भी रोड्स जो है वो बहुत अच्छे हैं मतलब उनका भी। लेकिन ये है कि अभी इंडिया के रोड्स पर ट्रैवल करेंगे देखेंगे तो फिर एक आपको उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकती है। तो बाकी ये है कि बढ़िया वीडियो था, अच्छा इंटरेस्टिंग था और मज़ा आया देखकर। तो बाकी कैसा लगा गाइस कमेंट बिलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।